मंच पर मौजूद अखिलेश भाषण देते रहे माफिया, भड़के योगी आदित्यनाथ ने जमकर लताड़ा कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने ये बयान यूं ही नहीं दिया था, बल्कि वो इस सच से बखूबी वाकिफ थे कि समाजवादी पार्टी अतीक और उसके जैसे कई माफियाओं को पाल रही है, पोषित कर रही है। और जिन्हें आज भी योगी की बात पर शक है ना, वो जरा इस तस्वीर को ध्यान से देख लें। तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ अतीक को आगे बढ़ाया बल्कि उसे मंच दिया, उसको चुनाव लड़वाया, उसका साम्राज्य बसाने में उसकी मदद की। और इसी का जिक्र करते करते योगी सदन में भड़क गए थे और माफिया अतीक को मिट्टी में मिलाने की बात तक कह गए थे। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया आपने, के खिलाफ जवाब आ जाए, जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है? और फिर मैं कह रहा हूं इसी हाल कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो कहा वो करके भी दिखाया। सदन में दिए गए अपने भाषण में सीएम योगी ने यह भी बताया था कि कैसे सपा ने बार बार अतीक को चुनाव लड़वाया और कभी एमपी तो कभी एमएलए बनाया। आपको कहना चाहिए था, ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशे और माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं, सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। ऐसा सच नहीं है, वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा, अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ऐसा सच नहीं कि 1996
सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वो माफिया, 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। योगी ने जो कहा उसका सबूत आपके सामने ये तस्वीर। ये तस्वीर साल 2015 की है, सोशल मीडिया पर अब भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। फोटो में अतीक अहमद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के साथ मंच साझा कर रहा है। मंच से वो अपनी बात रख रहा है, मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए सपा की जमकर तारीफ कर रहा है। मंच पर इस दौरान कई सारे राजनीतिक दिग्गज भी मौजूद हैं। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही बीजेपी सपा पर जमकर हमलावर हो रही है और उन पर तंज कस रही है। इतना ही नहीं, एक बार फिर ये आरोप लगा रही है कि सपा ने ही अतीक को शह दी। आप इस तस्वीर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।